नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में और मैं हूं कमल। देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद यातायात नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाए जाने से लोगों में काफी दहशत है। 1 सितंबर से इस एक्ट के लागू होने के बाद पिछले 5 दिनों में कई भारी भरकम चालान काटे जाने की खबरों ने सुर्खियां बटोरी है और अब चालान काटे जाने के बाद लोग अजीबोगरीब हरकत करने लगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना हुई जब ट्रैफिक पुलिस नशे में ड्राइवर करने वालों की पहचान करने के लिए सभी गाड़ियों को रोककर चेकिंग अभियान चला रहे थे। उसी दौरान एक बाइक सवार शराब के नशे में पकड़ा गया। नशे में पकड़े जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काट दिया। ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान काटे जाने से राकेश नाम का बाइक सवार बेहद खफा हो गया और गुस्से में आकर उसने अपनी ही बाइक में आग लगा दी। बाइक सवार की इस हरकत से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट को भी इस बात की खबर दी गई, लेकिन बाइक पर आग जो लगी थी उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। इस बीच बाइक जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस ने राकेश के खिलाफ IPC की धारा 453 के तहत मामला दर्ज कर लिया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने पहले दिन ही करीब 3,900 चालान काटे थे। नए नियम के बाद ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शराब पीकर ऑटो चलाने पर चालान कटा और मालिक पर 47,500 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया था। बताया जा रहा है कि ऑटो को मालिक ने सेकेंड हैंड खरीदा था और करीब उसका कीमत 26,500 रुपये थे में खरीदा था। इससे पहले गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक स्कूटी चालक पर 23,000 का चालान काटा था। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने ही एक ट्रैक्टर के ड्राइवर को 59,000 रुपये का चालान काट दिया था। सरकार के तरफ से इस नियम को वास्तव में लोगों के सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो शायद लोगों को एक नई ट्रैफिक नियम का पाठ पढ़ा सके। अब सवाल उठता है कि क्या इस नियम से वास्तव में बदलाव के साथ दिन प्रतिदिन हो रही घटनाओं पर भी ब्रेक लगेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HCN न्यूज और जो दर्शक पहली बार HCN न्यूज देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।